आचार्य करण द्विवेदी जी वृंदावन धाम में हमारे प्राय साथ ही रहते हैं, उनका प्रश्न ये है कि भगवान ने गीता में कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म, इन दोनों के अनुसार मैंने ही चारों वर्णों की सृष्टि की है। तो क्या कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, गुणों के अनुसार होते हैं या जन्म से ही होते हैं, ये प्रश्न है। और वर्तमान में भी ये प्रचार प्रसार बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है कि कर्म से जाति होती है, जबकि इसको अच्छे से समझ लेने योग्य है। आपको भगवान की बात कैसे समझ में आएगी, जैसे आदमी की बात नहीं आपके समझ में आती। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि गीता में जो लिखा है भगवान ने ऐसा कहा तो वैसा क्यों कहा, तो उसको समझने योग्य है कि शास्त्र सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और जब तक आपको संस्कृत भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक आप उस भाषा के वाक्य का यथार्थ अर्थ नहीं निकाल सकते। फिर भी सुन लीजिए, अच्छी बात है और समझने लायक। आपने एक बात तो इस श्लोक से सिद्ध कर दी कि मनुष्य की बनाई हुई जाति नहीं है। इस श्लोक से एक बात सिद्ध हो गई। जो लोग कहते हैं, अभी बहुत प्रचार कर रहे हैं कि ये जातियां तो सब ब्राह्मणों ने बनाई हैं, ठीक है ना, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि भगवान ने की बनाई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इतने वाक्य से एक बात सिद्ध हो गई कि जाति को मनुष्य नहीं बना सकता। एक बात ये सिद्ध हो गई, ये बात तो आप मान गए ना कि भगवान ही जाति बनाते हैं। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि तो भगवान जाति बनाते हैं तो धर्म भी मनुष्य ही बनाए, ऐसा तो नहीं है ना, तो धर्म का निर्माण भी मनुष्य नहीं करता, ये भी बात सिद्ध हो गई। तो एक बात सिद्ध हुई कि भगवान का वाक्य आप मान लीजिए कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने कहा कि चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मेरे बनाए हुए हैं। ये बात सिद्ध हो गई कि आप भगवान भी मानते हैं और भगवान ने बनाया है, ये भी बात मान गए। ये बात मान गए ना। चलिए अब आती है बात गुण कर्म विभाग सा। आपको यही बात नहीं पच रही कि गुणों और कर्म के अनुसार ही जाति बनती है। तो पहली बात तो हम इसका उत्तर दे दें, फिर इसके बाद आपको इसका रहस्य बताएंगे। भगवान ने कहा गुण कर्म विभाग शाह। शाह प्रत्यय क्या कहलाता है, किसी भाषा को जाने बिना आप कैसे इसका प्रकृति प्रत्यय नहीं जान सकते। ये जो शाह प्रत्यय है ना, जब आप लिखते हैं कि हम आपको कोटि शाह प्रणाम करते हैं, तो बहुत अर्थ में और अल्प अर्थ में शह प्रत्यय होता है। एक शह माने प्रत्येक। तो गुण कर्म विभाग शह का अर्थ है गुण और कर्म के विभाग के अनुसार, ठीक। चलिए, तो आपने पहले व्यक्ति बनाए कि गुण कर्म बनाएंगे है? आप विचार करिएगा अच्छे से जाति पर कि आप जब किसी कार्य को करते हैं तो करने वाला पहले बनेगा कि कर्म पहले बनेगा। जब कोई कर्म होगा तो कर्ता के अधीन होगा ना, जब कोई जिंदा होगा कोई पैदा होगा तभी कोई कर्म होगा। तो कर्म पहले नहीं हो सकता, पैदा होने वाला ही पहले होगा। ये बात आपके समझ में आ गई ना। मैं पैदा हुआ हूं इसके बाद मेरे कर्म निश्चित किए गए जाएंगे ना, कि पहले कर्म निश्चित किए जाएंगे फिर मैं पैदा हूंगा।
तो यदि आप कर्म से जाति मानेंगे तो इसका तात्पर्य हुआ कि कर्म पहले पैदा हुआ और आदमी बाद में पैदा हुआ, ऐसा होता है। व्यक्ति पहले जब कर्ता होगा तभी तो कर्म होगा ना। तो जो व्यक्ति के अधीन कर्म होता है, मैं देखता हूं तो मैं पहले पैदा होऊंगा ना, तब देखूंगा ना। तो देखने का कर्म बाद में होगा, सुनने का कर्म बाद में होगा। तो शरीर पहले पैदा होगा, कर्म बाद में कर्म बाद में ही होगा ना। तो बच्चा जब घर में आके पैदा होता है तो बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना। पुरुष हो या स्त्री हो तो स्त्री पुरुष के कर्म बाद में करेगा कि पहले करेगा वो। तो कर्म के अनुसार जाति अगर आप मानेंगे तो कर्म पहले होगा और जाति बाद में कहलाएगी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हम आपको एक और बताते हैं, कर्म अनिश्चित है, जाति निश्चित होती है। सरकार भी इस बात को नहीं कह सकती कि कर्म के अनुसार जाति होती है, क्योंकि उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है कि कोई ऐसा कर्म करेगा तो वो हरिजन कहलाएगा, ऐसा कर्म करेगा तो वो ओबीसी कहलाएगा, ऐसा कर्म करेगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। क्यों? इसका कारण ये है कि जो हरिजन पहले कर्म करते थे, अगर वो हरिजन 10 साल बाद वो कर्म छोड़ देगा तो वो क्या कहलाएगा, ये कहीं लिखा है? तो जाति के लिए पतंजलि जी ने अपने व्याकरण के महाभाष में लिखा, सकृदाख्यात निर्ग्राह्या। जाति उसे कहते हैं जो एक बार ही होती है। और कर्म कैसे होते हैं? अनेक बार। तो हम ब्राह्मण हैं, कि क्यों ब्राह्मण है? क्योंकि हमारे पिता ब्राह्मण थे, तो हमारे दादा ब्राह्मण थे, अब आगे आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण ही कहलाएगी। अब मैं पढ़ाता हूं तो ब्राह्मण हूं, अब मेरा लड़का नहीं पढ़ाएगा तो वो दूसरी जाति का लिखेगा। सरकार इस बात को मानने को तैयार है क्या कि पत्नी कुछ नहीं करती है, घर का काम करे तो पत्नी की अलग जाति होगी, और पुत्र कुछ करेगा अगर अध्यापक हो गया तो ये जाति होगी, यदि वो पुलिस में होगा तो पुलिस कर्म में ये जाति होगी। तो एक घर में कितने पुरुष होंगे बताइए आप, कितनी जातियां होंगी? तो कर्म के अनुसार अगर जाति करेंगे तो परिवार एक कुल का नहीं कहलाएगा, एक वंश जाति नहीं हुई। इसलिए उसमें लिखा गुण कर्म विभाग सह, मैंने गुण और कर्म के सहित जाति पैदा की है। अर्थात जो जिस जाति का होगा उसमें जन्म से वो गुण होंगी, ये अर्थ है उसका। वर्ण और जाति, लोग कहते हैं कि वर्ण और जाति अलग अलग है, तो वहां वर्ण कहा गया? नहीं नहीं, अब समझने लगे। इसका मतलब है कि गुण और कर्म के सहित चातुर्वर्ण जाति पैदा हुई ना। अब हम उसका प्रमाण देंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे। इसका मतलब जो जन्म से गुण होगा, जन्म से कर्म होगा, जन्म से ही जाति होगी। अर्थात जिस जाति में जो पैदा होगा उसका गुण उसका जीवन पर्यंत वैसा ही रहेगा। कर्म बदल भी जाएगा तो भी रहेगा। अब उदाहरण देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक को सुनिए, तो ये चातुर्वर्ण समझ में आ जाएगा। और ये गीता का अंतिम है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि, ठीक है, स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्राणाम और शूद्रों के ये कहलाते हैं वर्ण, चारों वर्ण, इनके कर्माणि प्रविभक्तानि, इनके कर्म अलग अलग विभाग किए गए हैं। इसका मतलब क्या निकला? कर्म से जाति कहलाई। जब आपको ये कहा जाएगा कि ब्राह्मण को ये कर्म करना चाहिए, इसका मतलब है ब्राह्मण वो पहले है, कर्म उसको ऐसा करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत आषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, 16 वर्ष तक ब्राह्मण की गायत्री रहती है, इसके बाद यज्ञोपवीत इसके अंतर्गत हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आप ये वाक्य कहें कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत इतने वर्ष में होना चाहिए,
ऐसा कहीं थोड़ी लिखा कि यज्ञ उपवीत करा तो इतने वर्ष में तो ब्राह्मण हो जाएगा। क्षत्रिय का यज्ञ उपवीत इतने वर्ष में होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये थोड़ी कि क्षत्रिय के यज्ञ उपवीत करा तो सुक्षत्रिय हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, 18वें गीता के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्माणि प्रविभक्तानि, ये कर्म अलग अलग कहे गए हैं। ब्राह्मण को ये कर्म करना चाहिए ऐसा लिखा है, ये नहीं कहा कि ऐसा कर्म करने से ब्राह्मण हो जाएगा। शूद्र को ये कर्म करना चाहिए ऐसा नहीं कहा कि ऐसा लिख करने से शूद्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा, स्वभाव प्रभव गुण ही। स्वभाव माने, स्वभाव माने क्या समझते, जन्म से होता है कि बीच से होगा, तो स्वभाव का तात्पर्य है जन्म से जो होगा वही होगा। जो स्वभाव का तात्पर्य है, जो मां के पेट से जन्म होगा वो जाति कहलाएगी, कर्म से जाति मानी जाएगी। तो जो व्यक्ति कुछ दिन पढ़ाता है फिर छोड़ देता है वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। यदि किसी ने कुछ दिन दुकानदारी की, दुकान में हो गया वैश्य, दुकानदारी छोड़ के वॉचमैन हो गया तो क्या कहलाएगा। तो कर्मों की परंपरा अनंत है, तो जातियां भी एक ही घर में अनंत जातियां हो जाएंगी। इसलिए लिखा है कि ब्राह्मो जातौ, समझिएगा ब्राह्मो जातौ। पाणिनि जी ने सूत्र लिखा कि ब्राह्मण शब्द के अन का लोप होता है यदि जाति अर्थ ना हो, तो जाति अर्थ नहीं होगा तो ब्राह्मो, और जाति हुआ तो ब्राह्मण। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है। अब चलिए सुन लीजिए, समो दमस्तपा शौचम शांति राजय मेवचा ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का जन्म से स्वभाव कर्म है, तो कर्म से स्वभाव बनता है कि स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं आप। स्वभाव माने अपना, इसलिए जाति जन्म से ही होगी, कर्म से जाति का कोई ग्रंथ ही नहीं है। नहीं तो एक आदमी दिन भरे में कितने कर्म करता है, अब पिता ने कोई और कर्म किया, पिता दूसरी जाति का, पुत्र ने कुछ और कर्म किया। चलिए अब आपसे ये कहा जाता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या से ही शादी करना चाहिए, इसका मतलब कन्या ने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो ब्राह्मण कहलाएगी। तो ब्राह्मण क्षत्रिय को क्षत्रिय कन्या के साथ, तो आज की सरकार भी जो जाति को नहीं मानती वो भी कर्म के अनुसार जाति मानते हैं, मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि कर्म के अनुसार जाति मानेंगे तो यदि किसी की नौकरी लग जाएगी तो जिस नौकरी में जाएगा उस कर्म की क्या जाति कहलाएगी। तो एक घर में आधे आदमी किसी और जाति के होंगे और किसी एक और जाति के, तो इसलिए कर्म के अनुसार जाति नहीं होती। सम दम तप तितिक्षा विज्ञान और ज्ञान, ये ब्राह्मण का जन्मजात स्वभाव है। अब क्या होगा, बोले कदाचित वो कुसंग में आगे मदिरा पान करने लगे, अपने धर्म का त्याग कर दे, तो धर्म का त्याग कर देने पर शूद्र जैसा हो जाएगा। अब विचार करिए अगर इन दुर्गुणों को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन दुर्गुणों को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब वो पहले ब्राह्मण था वही हो जाएगा। यदि कोई शूद्र अपने शूद्र कर्म को छोड़ दे और अगर फिर जो दूसरा कर्म कर रहा है जब उस कर्म को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। तो जो जाति जन्म से होगी तो कर्म छोड़ने पर वही जाति मानना पड़ेगी ना। तो ब्राह्मण को इसलिए कहा जाता है कि शूद्रवत, वह शूद्र जैसा हो जाएगा, अर्थात जब शूद्र के कर्म छोड़ देगा तो फिर कैसा हो जाएगा, वो पुनः ब्राह्मण था तो ब्राह्मण ही हो जाएगा। नहीं तो फिर तो ये निर्णय नहीं होगा कि अचानक वैश्य अपने वाणिज्य को छोड़ दे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, 43वां श्लोक। खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना और गौ रक्षा करना, ये वैश्य का जन्मजात स्वभाव है। अगर वो ये नहीं करता है तो वो ठीक है, तो वो दूसरी जाति हो गई। कदाचित उस कर्म को छोड़ेगा तो पुनः क्या हो जाएगा, फिर वैश्य ही तो कहलाएगा। इसलिए सकृदाख्यात निर्ग्राह्या,
जो जन्म से माता पिता की जाति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी भले कर्म कोई कितना भी कुछ करता रहे वही जाति मान्य होती है और सरकार भी वही जाति मान्य करती है और यही शास्त्रों का निर्णय है। इसलिए जन्म से जो जाति माननी मानेंगे तो ही आप परंपरा में सभी एक जाति के कहलाएंगे। यदि कर्म से मानेंगे तो एक घर में 50 प्रकार की जातियां हो जाएंगी। इसलिए भगवान ने कहा कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप। हे परम तप, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्माणि प्रविभक्तानि कर्मों को मैंने अलग अलग बताया है। इसलिए कर्ता पहले होता है, कर्म बाद में होता है, अर्थात जाति जन्म आपका पहले होगा और कर्म आपका विधान करें। आप एसपी का पद बाद में बनाएंगे कि पहले बनाएंगे? आपने कहा कि एसपी का ये पद है, ये नियम है, जो इस योग्यता के अनुसार करेगा वही एसपी हो जाएगा। इसका मतलब है एसपी का पद पहले बना है, ये थोड़ी कि एसपी जैसा जो कोई करेगा वो एसपी हो जाएगा। कर्म से कहीं कोई पद होते हैं तो ब्राह्मण पद भी मानेंगे तो कर्म पहले नहीं हो सकता। कर्तु रीप्सित तमम कर्म, पाणिनि जी ने कहा कि कर्ता जो करता है, जो ईप्सित करता अपनी इच्छा से जो करता है उसको कर्म कहते हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय बैठ जाता है उसको निष्क्रिय कहते हैं। इसलिए कर्म बाद में उत्पन्न होता है, व्यक्ति पहले उत्पन्न होता है। इसलिए जाति पहले उत्पन्न होती है, कर्म का विधान उसका जाति के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार जाति मानेंगे तो परंपरा में एक ही घर में 50 प्रकार की जातियां हो जाएंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।